भाइयों और बहनों, झारखंड के विकास के लिए भाजपा की वापसी जरूरी है। आज झारखंड के हर व्यक्ति को केंद्र और झारखंड सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाभ पहुंच रहा है। बिना किसी वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी पंथ के भेदभाव है, हर झारखंडवासी के विकास के लिए समान भावना से हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा मूल मंत्र है। साथियों, आज उन क्षेत्रों में भी बिजली का तार पहुंचा है जिन गांवों में पहुंचना तक मुश्किल था। आज वो क्षेत्र भी सड़क से जुड़ रहे हैं जहां कभी विरोधी दल के नेता झोंकते भी नहीं थे। आज उन जनजातीय क्षेत्रों में भी पानी की पाइप पहुंच रही है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज उन गरीब पिछड़ों और आदिवासी परिवारों को भी अपना घर मिल पा रहा है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर रखा था। साथियों, 2015 में जब मैं खूंटी आया, यहां कौड़क में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला था। तब तक यहां सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन अजूबा लगता था, सपने सी भी लगती थी वो बात। लेकिन 5 वर्ष बाद आज झारखंड में करीब करीब 40 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर भी सस्ती और अच्छी बिजली आज यहां उपलब्ध हो रही है। अब तो गेतलसूद और धुरवा डैम पर देश का सबसे बड़ा तैरता सौर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे यहां के गांव गांव तक पर्याप्त और सस्ती बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, सौर ऊर्जा के साथ साथ यहां खूंटी को ओडिशा के पारादीप से पाइपलाइन से जोड़ा गया है। यहां IOCL का टर्मिनल भी तैयार हो चुका है। अब दक्षिण झारखंड को यहीं से तेल की सप्लाई होती है। इसी तरह डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, नॉलेज सिटी हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने वाले हैं।